लोहीवाला के थानों में 5वें उत्तराखंड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया फेस्टिवल का शुभारंभ। देश विदेश के पर्यावरण और पक्षी प्रेमी करेंगे शिरकत। अल्मोड़ा में राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ। एपीएल और बीपीएल परिवारों को बांटे सस्ते बिजली कनेक्शंस। योजना के तहत 23,000 परिवारों को बांटे जाएंगे बिजली के कनेक्शन। नैनीताल में यातायात नियम तोड़ने पर सख्त हुआ परिवहन विभाग। चेकिंग अभियान में 189 चालान और 22 लाइसेंस किए निरस्त। 9 वाहनों को भी किया सीज। कुमाऊं आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने किया पिथौरागढ़ डीएम परिसर का निरीक्षण। जिले के विकास कार्यों के लिए जानकारी, लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत। आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य। डोईवाला के वन विश्राम गृह थानों में 3 दिवसीय 5वां उत्तराखंड स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल शुरू हुआ। फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के पर्यावरण प्रेमी और पक्षी प्रेमी चिड़ियाओं का अध्ययन करेंगे। वहीं वन क्षेत्र में बनी आसन बराज, झीलमिल झील और प्रकृति का आनंद लेने का मौका भी आम लोगों को मिलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। सीएम ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएंगे और इको टूरिज्म को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। जो वन्य जीव प्रेमी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, अपनी इस खूबसूरती को, अपनी इस प्राकृतिक छटा को, पक्षियों की चहकने को, उनके जो खूबसूरती है, वो जो एक संदेश देती हैं जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति। जंगलों को और जीव जंतुओं को सुरक्षित करना ही नहीं, प्रकृति की इस छटा को, प्रकृति की इस धरोहर को देश और दुनिया में भी शेयर करना चाहता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये वन विभाग का एक अनोखा प्रयोग है, वन विभाग का एक बहुत ही अच्छा इस तरह का प्रयास है, जिससे कि देश और दुनिया के लोगों को हम उत्तराखंड में आकर्षित करना चाहते हैं, पूरे कंट्री में और कंट्री से भी बियॉन्ड, क्योंकि यहाँ की जो जैव विविधता है चिड़ियों के मामले में बड़ी अनुपम है। हमारे देश की जितनी भी चिड़िया प्रजातियाँ हैं उसमें 50% से ज़्यादा उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छी बर्ड डेस्टिनेशन है उत्तराखंड, तो इसी को पॉपुलर करने के लिए हमने बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ है। और इसमें जो है हमारे देश के तमाम कोने कोने से बर्डर्स आए हुए हैं। बर्डर्स मतलब जो चिड़िया देखने का शौक रखते हैं। अल्मोड़ा में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर अल्मोड़ा में गरीब वर्ग के बीपीएल और एपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए। अल्मोड़ा में 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातीय गणना के आधार पर लगभग 23,000 परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे उपभोक्ताओं को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन और टूल वितरित किए जाएंगे। 500 रुपए 10 किश्तों में वसूले जाएंगे। और इस योजना में उत्तराखंड के लगभग 4.25 लाख लोग इसमें लाभान्वित होंगे। और हमारा जो अल्मोड़ा जिला है, जिसका मैं प्रभारी जिला हूँ, यहाँ पे लगभग 23,500 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। इस योजना में जो बीपीएल परिवार हैं और जो आर्थिक रूप से जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, उनको कनेक्शन पूरा फ्री मिलेगा। उसमें एक बल्ब भी मिलेगा, उनकी फिटिंग भी हमारे बिजली विभाग के लोग वहाँ पूरे कमरे की फिटिंग भी करेंगे। और जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनको जो है 500 रुपये में एक कनेक्शन दिया जाएगा, और 500 रुपये में भी पूरे एक महीने में उनको खाली 50 रुपये जमा करना है। कुमाऊं आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया, साथ ही जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी ली। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा रहा। आयुक्त ने सभी विभागों के दफ्तरों की बारीकी से जांच की। इस मौके पर कुमाऊं कमिश्नर ने विकास कार्यों में लेट लतीफी करने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द वित्तीय वर्ष के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों को ज्यादा से स्थलीय दौरे करने पर जोर दिया।
हमारा जो है क्या होता है, आयुक्त को पूरे वर्ष में एक बार बाहर से निरीक्षण करना होता है पूरे हर कलेक्ट्रेट का जो है, उसी के तहत मैं आज आया हूँ। मैंने यहाँ पर हर सेशन का निरीक्षण किया और अधिकारी को निर्देश दिए कि वो समय पर अपने ऑफिस में आए और अपना काम को कठिनता से करें, ईमानदारी मेहनत लगन से करें और आम जनता को जो भी समस्या आती है उनका निराकरण यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें, जिससे कि आम जनता के प्रति सरकार का विश्वास बना, उनका विश्वास सरकार पर बना रहे। और मेरा ये भी है कि अधिकारी फील्ड में जाएं, अधिक दौरे करें। उत्तरागंज से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने महाराणा प्रताप चौक पर 8 करोड़ से होने वाले शहर के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। सितारगंज शहर को चमकाने के लिए और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा के प्रयासों के बाद शासन से सितारगंज के सौंदर्यीकरण की मंजूरी के बाद टेंडर पारित हो गया है। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने सौंदर्यीकरण के पहले नारियल फोड़कर और फीता काटकर कार्य का उद्घाटन किया। सौंदर्यीकरण के दौरान शहर में बिजली के खंभे और लाइटें लगेंगी, रोड का चौड़ीकरण भी होगा और डिवाइडर्स भी बनेंगे। शहर का पिताजी का भी वादा था जब वो एमएलए थे और सबसे पहले जब मैं यहाँ का विधायक बना तो मैंने जो मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 10-10 करोड़ रुपये दिए थे, तो प्राथमिकता से सबसे पहले मैंने जो पैसा स्वीकृत कराया वो 8 करोड़ रुपये सितारगंज शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करवाया है, जिसमें आज हमने जिसका टेंडर हो गया, जिसका टेंडर होने पर कंपनी को अवार्ड हो चुका है और आज वो कंपनी काम शुरू कर रही है। तो बहुत खुशी की बात है हमारे शहर के लिए कि हमारा सितारगंज शहर भी सुधर रहा होगा, लाइटें लगेंगी इसमें, डिवाइडर बनेंगे, रोडों का चौड़ीकरण होएगा, पूरी रोड फिर से बनेगी। जो आपकी नुकुलिया वाली चौराहे तक रोड है, खटिमा चौराहे से, तो 7 मीटर की जगह 12 मीटर की रोड हो जाएगी, उसमें बीच में डिवाइडर बनेंगे, साइड में चलने के लिए लोगों के लिए फुटपाथ बनेंगे। तो एक शहर सुंदर अगर नहीं, अगर हमारा सितारगंज शहर है, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है और शहर को देखेगा और उसको सुंदर नहीं दिखेगा अगर शहर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर इतना अच्छा, इतना पुराना शहर है सितारगंज, लेकिन अगर यहाँ पर सुंदरता नहीं रहेगी शहर की, यहाँ पे कब्जे होते जा रहे हैं, चलने की जगह लोगों को नहीं मिल रही है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं हो रही है, तो यही एक हमारी एक पहल है कि हम लोग इसको शहर को सुंदर बनाएं और आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग लगभग 8 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लाइटिंग का भी है, डिवाइडर का भी है, साइड में चलने के लिए फुटपाथ है और रोडों का चौड़ीकरण है। परिवहन विभाग ने नैनीताल में चेकिंग अभियान के दौरान अब तक 189 चालान और 22 लाइसेंस निरस्त किए हैं, जबकि 9 वाहनों को भी सीज किया गया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए 3 दिवसीय अभियान के तहत हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर और काशीपुर में एआरटीओ की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई की है। आयुक्त महोदय के आदेशानुसार और संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी के महोदय के आदेशानुसार ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है 3 दिवसीय, जिसमें कि अन्य जनपदों के अधिकारी दूसरे जनपद में जाके चेकिंग कर रहे हैं। ये 3 दिन की चेकिंग का पहला दिन था आज, जिसमें कि टनकपुर प्रवर्तन दल ने 60 गाड़ियों का चलान किया और कम से कम 15 लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन की शुरुआत हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी समेत सभी दलों के लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए जिला विकास प्राधिकरण वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला विकास प्राधिकरण में कई प्रावधानों के होने की वजह से पहाड़ी जनपदों के लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के पास कम भूमि होती है, जबकि जिला विकास प्राधिकरण के कड़े प्रावधानों के चलते लोगों का मकान बनाना मुश्किल हो गया है। आंदोलनकारी पहाड़ी क्षेत्रों में जिला विकास प्राधिकरण को हटाने और प्रावधानों को सरल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो पूरे उत्तराखंड में जिला प्राधिकरण का गठन किया गया है, उससे निश्चित रूप से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और वो विशेषकर अल्मोड़ा या अन्य जो जिले हैं पर्वतीय क्षेत्र के, वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और सरकार प्लान के लिए नीति बनाने का काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जब लोग यहाँ मकान ही नहीं बनाएंगे उस मानक के तहत, तो निश्चित रूप से प्लान यहाँ से होगा और उसमें जो सबसे जटिल प्रक्रिया है कि कम से कम अगर किसी व्यक्ति का भी नक्शा पास होगा, अगर कॉमर्शियल होगा तो उसमें 4.5 मीटर का उसमें उसका कॉमन पाथ होना चाहिए, अगर रेजिडेंशियल होगा तो 2 मीटर का उसमें कॉमन पाथ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अव्यवहारिक है और सरकार को इस प्राधिकरण को बिल्कुल हटाना चाहिए। निश्चित रूप से कल हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और हमारे कैलाश शर्मा जो पूर्व विधायक यहाँ के, उनके नेतृत्व में यहाँ एक
सर्वदलीय लोग मिले थे मुझे और मैंने उनको कहा कि 12 तारीख को कैबिनेट है, इसमें कोई ना कोई समाधान हम जरूर करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। श्रीनगर में पालिका चुनावों को लेकर सभी दलों के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करने शुरू कर दी है। श्रीनगर बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य और प्रदेश अनुशासन समिति के सदस्य अंतर सिंह असवाल ने भी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से दावेदारी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि पिछले एक दशक से शहर में ड्रेनेज, पार्किंग, सफाई व्यवस्था की हालात चरमराए हुए हैं। पिछले अध्यक्षों का कार्य भी संतोषजनक नहीं रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी उनका समर्थन ये नहीं है, बन रही है रेलवे लाइन। इस परिस्थिति पूरी जनता सालों से बोल रही है कि पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। एक पार्किंग नदी के किनारे बनाया गया था, वो पार्किंग यूजलेस पड़ा हुआ है। ड्रेनेज की समस्या है, वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। पार्कों की समस्या है, ज्यों की त्यों पड़ गया, उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और हम समझते हैं कि जो अगले चुनाव में कोई ठीक से कार्यकर्ता इस चुनाव में अपने विजय प्राप्त करता। राज्य में जहां एक ओर राजनीतिक दबाव के चलते ब्यूरोक्रेट्स आए दिन सरकारी तंत्र की अव्यवस्थाओं के वजह से अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं एक मामला हल्द्वानी से भी सामने आया है, जहां पार्टी के ही कुछ नेता नैनीताल के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखे। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंभीरता से लेते हुए उनका कहना है कि पार्टी के अंदर अनुशासन ही सर्वोपरि है, जिसका सरकार के द्वारा संज्ञान भी लिया गया है। उस निर्णय को पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बात आरक्षण की कर रही है, तो ये गलत है। अगर कोई उसका नैनीताल उच्च न्यायालय ने तीन तलाक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले की को निचली अदालत में पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पति ने उसके पिता को फोन कर तीन तलाक दिया, जो कि मान्य नहीं है। वही पति ने इस तलाक के आरोप को नकार दिया है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ में याचिकाकर्ता को मामला निचली अदालत में पेश करने के लिए कहा है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी गुहार लगाएंगी। मामा को बोला इसके मतलब ओवरऑल सोसाइटी कोर्ट ने तो कोई भी जजमेंट अब तक दिया नहीं है, कोई रेमेडी उनके पास अवेलेबल नहीं है। सिविल पर भेज दिया पर वहाँ भी कोई प्रोविजन नहीं है इसके लिए, तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ पर इसको चैलेंज कर सकती हूँ। मेरा तो तलाक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, मेरा तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, मुझे तो सीधे सीधे तलाक के बिदत भी नहीं कह सकते इसे। मुझे तो मेरे तो कानों में तीन तलाक पड़ा ही नहीं है अब तक, और मेरे खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है तलाक का। अब मैं इसीलिए चैलेंज कर रही हूँ इसको कि कहाँ है रेमेडी, मैं कहाँ जाऊँ अब। ये शिकायती मामला नहीं है, ये बेसिकली जो है पिटीशन फाइल की हुई थी शाहिना के नाम से। मैं मुद्दा ऐसा है कि शाहिना को उसके हस्बैंड ने जो है पिछले साल तलाक दे दिया, कि इसके हस्बैंड ने इसके फादर को फोन पर कम्युनिकेट किया कि भाई मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दिया है और आप जो हैं आज के बाद में अपनी बेटी को मेरे घर में ना भेजें। जिस समय ये तलाक दिया गया तो शाहिना उस समय प्रेग्नेंट थी, ये अपने घर आ चुकी थी। इसने कई कंप्लेंट्स की हुई थी पुलिस स्टेशन में, बाकी जगह की हुई थी, जिसके बेस के ऊपर में उसके हस्बैंड के अगेंस्ट में जो है एफआईआर हुई हुई थी। कोर्ट ने हमें ये कहा कि यदि आपको तलाक को चैलेंज करना है तो आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमने तलाक कोर्ट से वही कहा कि सिविल कोर्ट में अगर आप कहते हैं तो सिविल कोर्ट में कोई रेमेडी अवेलेबल। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने बिजली विभाग के दफ्तरों में कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की और अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि विभाग बिना कोई सूचना दिए लोगों के बिजली कनेक्शन काट रहा है, जिससे बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि बिजली विभाग एक अभियान के तहत बिजली भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट रहा है, जिसका असर किराए में रह रहे विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि विभाग को बोर्ड परीक्षा के दौरान अपना अभियान रोकना चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य में अंधेरा ना पड़े। मार्च का महीना है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बिजली कटौती के नाम पे पूरे शहर के अंदर लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, सारे छात्र परेशान हैं, सारी जनता परेशान है। हमारा विद्युत विभाग से कहना है कि हम आपकी बिजली जो बिजली चोरी है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मार्च के महीने में जिस तरह से आप ये अभियान चला रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं छात्रों को नुकसान हो रहा है। और हम आज आपको
इस धरने प्रदर्शन के जरिए चेताना चाहते हैं कि अगर मार्च के दौरान इस तरह के कि आपका अभियान जारी रहेगा तो हम आपका विद्युत विभाग में तालाबंदी करेंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि शीघ्र इस बिजली कटौती को और जो विद्युत चोरी का जो अभियान है उसको मार्च के दौरान बंद करने का आप कष्ट करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।